Assalamu alaikum everyone, Dostat presents as usual all the way from London. Today we have Shahji. Assalamu alaikum Shahji. Kya haal hai? Baithe baithe baithe. Baat sab se special aapko pata hai kya hai kya. Baithe baithe. Le ji nazreen aaj hamare saath team London Kite Flyers ke jo captain hai one and only Shahji Alyan bhai wo hamare saath hai. Allah taala ne खुश रखे रमजान के महीने में ये इतनी दूर से मेरे पास आए हैं थोड़ी गपशप लगाने के लिए. तो शाह जी क्या हाल है आपके पास? शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा खुश शुक्र है अल्लाह पाक की जात का कि हमें फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना वायरस से हम लोग बचे हुए हैं. ठीक है मालिक की जात का कि अल्लाह पाक ने हमें जिंदा रखा हुआ है. सो और ऊपर से रमजान के रोजे रख रहे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ. बस आज रात को मैंने एक पेज लॉन्च किया था, आपने देखा होगा यूके काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की. उसकी वजह यही थी कि एक प्लेटफॉर्म में दूं सारी पांच टीमों को जो इस टाइम यूके में है, ताकि वो अपनी वीडियोस वगैरह एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और ताकि जो किसी बंदे में किसी टीम में जो गैप है वो खत्म किया जा सके और जो है हम सब भाई अंडर वन अम्ब्रेला काइट फ्लाइंग करें और एंजॉय करें और सेफ काइट फ्लाइंग को प्रमोट करें. बहुत अच्छी बात. तो शाह जी शुरू करते हैं आपसे गपशप और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कहां से हैं पाकिस्तान और कब से पतंगबाजी और क्यों पतंगबाजी कर रहे हैं. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह कहूँगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो एक अल्लाह ताला की जो ज़ात है. एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और ये पाकिस्तानी ये जो शौक है पतंगबाजी ये लाहौर से ही है और 99% लोग लाहौर के ही हम लोग. अब तो मैं माशाल्लाह बड़ा वर्ल्ड वाइड हो गया एज इन ये जो क्या नाम है पिंडी गुजरांवाला पहले भी होती थी लेकिन जो डोन मेकर सारे लाहौर के पतंग मेकर सारे लाहौर के तो वो लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह आप एवरीबॉडी नोज़ के लाहौर से ही है. मैं खुद लाहौर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने यूके में ये व्हाट्सएप पे ही मेहरबानी अल्लाह पाक इनको खुश रखे इन्होंने मेरा एक शुरू किया है शौक और जुनूनी हद तक मुझे बदन शौक था. जब मेरी व्हाट्सएप से पहले जब बात हुई थी तो व्हाट्सएप मुझे आज तक याद है एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल जैसे कहते हैं ना वो जो थी ग्राउंड पनार की वेल्स में वेरी नाइस. तो व्हाट्सएप ने मुझे कहा था कि जी 5 बजे सुबह गेम है और मैं 4 बजे ग्राउंड में पहुंचा हुआ था. इस तरह का हालांकि 3-3.5 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव थी लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का. लेकिन शाह जी आप इस बात से तो मुत्तफिक होंगे कि टीम लंदन काइट फ्लायर्स जो है उसके बनने में एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बट साहब वो आप लोगों का प्यार है वो एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की जो जात है वो जो सब कुछ जो करती है वो बेहतरी के लिए करती है. तो अल्लाह पाक ने एक था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके अलावा आप पतंगबाजी को कहां पर देख रहे हैं यूके काइट फ्लाइंग को? वेल रिसेंटली हम लोगों ने डिसाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल टीम्स एंड हमारी जो जितनी भी टीमें हैं यूके के अंदर 5 माशाल्लाह तो सब भाइयों का एक मुत्तफिका फैसला है और उसके साथ हम लोगों ने डिसाइड कर ली ऑलरेडी कि हम लोग अब ट्रिपल एम गेट्स तक उड़ाया करेंगे. और ये चीज़ हम लोग ऑनेस्टली हम लोग पहले भी इतनी मोटी नहीं उड़ाते अगर यूके के हिसाब से देखा जाए और हमें उतनी मोटी ज़रूरत है अगर देखा जाए तो क्योंकि हमारी हवा उस तरह की है ना कि मतलब हवा कुछ बरीक कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपकी पतंगें टूट जाती हैं उस टाइम पर जितनी क्योंकि पतंगे उस तरह की नहीं रही तो मतलब पतंगे जरा सख्त बनना शुरू हो गई हैं तीले और उस तरह की लटन बटन क्योंकि यहाँ पे पतंग आती है पड़ी रहती है तो वो फिर आपको पता डिफरेंट हिसाब किताब है. तो लेकिन आप उस तरह के मेकर भी नहीं रहे. ऐसे ही है लोग तो, मेहनत नहीं करते जो तीले मेहनत नहीं होती और लेकिन फिर भी कई उस्ताद ऐसे हैं कि जिनकी पतंगे आती हैं. तो पतंग अल्हम्दुलिल्लाह यूके के अंदर भजन हम लोग इसको बड़ा अच्छी तरीके से करेंगे और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है टाइम पे जाते हैं गेम करना इट्स नॉट अ इजी थिंग एज यू नो दैट कमिटमेंट इट्स कमिटमेंट हर बंदा कमिटमेंट यूके में देना मुश्किल होता है ऑब्वियसली हर बंदे की एक अपनी मसरूफियत होती है. तो और जो भाई हमारा शौक करवा रहे हैं और जिनका हम लोग शुक्र लाइक शौक करवा रहे हैं मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऑनेस्टली कि हमने अपने उस्तादों से यही सीखा हुआ है कि अपना जरा दादा जरा होता ना हरीफ उसकी इज्जत करो उन्हें सिर पे झुक कर रखो सीधी सी ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड. तो बस अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे
बात रखी और हम लोग यूके को मतलब काफी प्लान जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं यूके के अंदर ट्रिपल एम तक आ गए ऑलरेडी हम, तो अप्रैल से हमारा ऑलरेडी डिसाइड हुआ हुआ था, तो इंशाल्लाह फ्यूचर गेम में आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ट्रिपल एम गेज उड़ा करेगी। उसके अलावा थोड़े अपने उस्ताद जी के बारे में बताएं, आप माशाल्लाह उस्ताद की शिगिर्दि में हैं। सर मैं उस्ताद की शिगिर्दि मेरी ऑफिशियल तो नहीं हुई भी। अच्छा, तो करने का प्लान अगर अल्लाह तआला ने कोई दिया तो होगा, लेकिन ये जो उस्ताद की शिगिर्दि एक बड़ी देर से दस्तारबंदी चलती आ रही है। मैं शगीर्द हूँ इशवाक पट्टी सैद मिठे वालों का, अगर आप लोग जानते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप लोग शायद जानते होंगे ऑब्वियसली, वो काफ़ी मतलब फेमस है माशाल्लाह, और वो उस्ताद भूरे के शगीर्द हैं मेरे। तो उस्ताद भूरा जी जो है वो आपके दादा उस्ताद हैं? मेरे दादा उस्ताद हैं। क्या बात है, वाजी बात। तो अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा शाह जी आप मुझे ये बताएं कि अब बरीगोर की बात हो रही है, एक हमारे फॉलोवर हैं बुरहान भाई, उन्होंने हमें मैनचेस्टर से मैसेज किया था कि शाह जी से पूछें कि बरीगोर जो है वो 35 नंबर और 25 नंबर जो है उस पर साठ की पतंग यहाँ पर उड़ सकती है, फिजिबल है हवा, तो आप इससे कितने मुतफिक हैं कि 35 नंबर 25 नंबर पे साठ की पतंग उड़ सकती है? सर 190% उड़ सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें आप फैक्टर ये भी तो देखें ना कि कई लोग अब ये भी कहेंगे हमारी ऑलरेडी उड़ती हैं लंदन में, चुकीटियाँ भी उड़ती हैं जो मतलब चुकीटी जो पतंगा साठ चुकीटी जो उड़ती हैं अभी भी, लेकिन वो उस तरह हवा कैच नहीं करती, वो तफे वाली हवा होती है जहाँ पे हवा कुछ लड़ में हवा कम है, आगे जाके ज्यादा हो जाती है, फिर उससे डबल हो जाती है, डबल से ट्रिपल हो जाती है, तो ये भी बड़ा फैक्टर आया था। उड़ सकती हैं करने को, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन मेक इट पॉसिबल, वी कैन डू इट ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह पुराने उड़ाने वाले हैं कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन सर देखिए वो फिजिबल भी तो देख लेना कि पतंग टूट टूट के जा रही है पानी में, उसका पैसे आराम से तो है नहीं, आपने जाया करने हैं, सो देयर इज नो पॉइंट, दैट्स द रीजन कि आप 25-35 नंबर इट्स नॉट फिजिबल आई वुड से। उसके अलावा आप काफी दोस्तों ने पूछा कि शाह जी से आप पूछें कि शाह जी आपकी फेवरेट डोर कौन सी है और आपकी फेवरेट जो पतंग है उसका डिजाइन कौन सा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जिस तरह आप लोग मेरे सारे भाई मुझे जानते हैं पतंगबाजी अगर मैं जिनसे करता हूँ मेरे साथ खड़े होकर करते हैं या मेरी टीम में करते हैं या ऑब्वियसली ट्रिपल एम गेज में, अब मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कि मेरी फेवरेट धागा क्या है, बट ट्रिपल एम गेज का आउट से कि मेरा इतना आई लव इट, मुझे उसके साथ बेटा सीधा रहता है, मुझे जो बेटा उसमें मजा आता ना, मुझे मोटी डोर मैं भी नहीं कहूंगा मोटी डोर मैंने उड़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई बड़ी ना छुपाने वाली बात है, लेकिन मुझे उसे पेज करने का मजा नहीं आता, आपका क्या फायदा एनीवे, सो एग्जैक्ट धागा नहीं बताऊंगा जो एक होता है सीक्रेट टिपिकल, तो आपको पता कि निकालों से होशियार तो लेकिन ट्रिपल एम गेज तक का होगा, मैं आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और पतंग का डिजाइन आपका? पतंग का डिजाइन सर दो डिजाइन है, एक सूट काला और ये लाल और दूसरा है शिस्त्रु। क्या बात है, लाल काला शिस्त्रु है। लाल काला शिस्त्रु इज माय फेवरेट वन ऑफ द टॉप वन। और डोर आपने माशाल्लाह 80 गेज की पकड़ी है सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है फुल है सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह बुरहान भाई ने आपने मैसेज कराया, ये ट्रिपल एम गेज सिर्फ ट्रिपल एम से भी अंदर गेज है, ऐसे ही है जो डेढ़ साल हो गया चलिया, ऑलरेडी टीम लंदन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड हो चुकी हुई है और उड़ भी रही है, और शुक्र अजमाने की जात का कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसे ही है, ऐसे ही लाइक एवरीबॉडी नोस अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा शायद ये अपनी फेवरेट यूके की ग्राउंड के बारे में बताएं, कौन सी आपने भी ऑल ओवर द कंट्री गेमिंग की है यूके में भी और वर्ल्ड वाइड, अभी आप रिसेंटली अबू धाबी और दुबई में शारजा में की, दुबई की अबू धाबी की ग्राउंड आउट क्लास थी यार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो लेकिन वहां पे एक इंसिडेंट भी हो गया था आपको पता ही है, लेकिन उनकी ग्राउंड आउट क्लास, प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, वहां पे पतंग भी अच्छी उड़ती है, अच्छा शौक करते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और यूके की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो भाट साहब उसमें मेरी दो तीन है आई वुड से, एक है उसमें वो मेरी पिनार्थ, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्ट वहाँ से की है तो मेरा वो ऑब्वियसली फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। सेकंड जो है वो है लंडन ड्रोन, ठीक है, जो वेल्स में है। थर्ड आती है सैंडविच, दैट्स, और फोर्थ आती है लेस डाउन, उसकी लेस डाउन उसकी रीजन ये है कि मेरा लेस डाउन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। तो उसके अलावा आपका फेवरेट स्टाइल
ऑफ पेच क्या है, मतलब आप जो पेचा करते हैं लंबा छोड़ के करते हैं, वायु बाहर ले जाते हैं दूसरे को, या आप खिंच प्रेफर करते हैं? सर मैं तो जिस तरह का आपने पंजाबी में, आई एम सॉरी टू से बट आई एम यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, कहते हैं ना वो जिस तरह का मुंह उस तरह की चपेट। सो बात यह है कि आपको ओपोनेंट को थोड़ा हार्ड टाइम देना चाहिए, तसल्ली से सुकून से पेच करें। सम टाइम होता है मेरा मैं बड़ी जल्दी कर जाता हूँ, लाइक हौसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से हौसला मेरे बहुत है। सम टाइम आई जस्ट नॉर्मली सेज, पीपल मुझे कहते हैं कि यार ये तू शब्द जज्बाती हो जाता है कि मैं जल्दी जल्दी पेच कर लेता हूँ, उसमें वो एक डिफरेंट लॉजिक है, हर बंदे का हिसाब किताब डिफरेंट होता है। सो मैं मूड में हूँ तो भजन आई कैन गो विद द फ्लो। नहीं नहीं, इस बात का मैं भी गवाह हूँ कि शाह जी जो है ना वन ऑफ द पैशनेट प्लेयर आई एवर मेट, और वन हैंडेड आप जो है ना इनके साथ पेचे सारा दिल लगाए रखे हैं, ये हारने वालों में से नहीं है। ओह यस, सो ही इज वेरी अग्रेसिव। ठीक है, उसके अलावा शाह जी आपके लिए एक सवाल आया था कि आप किस प्लेयर को पूरी दुनिया में जो है ना उसको आप प्रेज करते हैं कि यार क्या इसका स्टाइल है, क्या खिंच मारता है, क्या पेच करता है, तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने आपको जो है ना वो मुतासिर किया? एक प्लेयर का मैं 100% नाम लूंगा, एक तो मैं अपने उस्ताद जी से बड़ा था, उनके मैं पीछे 2 साल मैंने मतलब वो सिर्फ ना पेचे उनके देखे ही हैं, चलियाँ पकड़ के सीखा ही है ऑनेस्टली। फिर उसके बाद मुझे याद आज तक के रायगढ़ में उनकी गेम होती थी, मतलब पाकिस्तान में ख्वाजा नदीम हमारे साहब की और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, उनकी गेम होती थी, उनके पेचे भी मैंने देखे हुए हैं। देन उसके बाद होता था एक टॉप ऑफ द प्लेयर जो है ना जिनकी मुझे खींच आज तक बड़ी मशहूर है, जिनकी मैं वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखी हैं, वो है ख्वाजा उमर। अच्छा, ही इज माई वन ऑफ द, कहते हैं ना वो जितना बंदा जीता रहा ना अल्लाह के, वो कहते हैं उनके बारे में मशहूर है कि तुम उन्हें धागा भी फड़ा दो ना तो धागा भी बिचों पर हो देगा। अच्छा, दैट्स हाउ इट इज, एंड इट वो अल्लाह पाक ने उनको एक उनके हाथ में फन भी है, एक अल्लाह तआला की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी है कि अल्लाह पाक ने उनके अंदर हौसला दिया है, ही नोज वो चलते बाद के अंदर ना बताना बोल देते हैं। सो ये तो आप बता रहे हैं पुरानी बातें, आजकल के बारे में आप क्या बताएंगे? आजकल अगर आप यूके में देखा जाए, मैं एक बंदे से बड़ा इंस्पायर हूँ, उनकी पतंगबाजी के लिए उनका पैशन एंड एवरीथिंग। हमारी टीम के अंदर वो आजकल जरा थोड़े डाउन हुए हैं, लेकिन वही बात है कि बड़े बड़े बादशाहों के वेवरी ना पैरा टाइम आ जाता है, लेकिन कोई बात अगर मैं गलत नहीं तो आप आसिम भाई की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात, देन उसके बाद पतंगबाजी में कराते हैं, उसके बाद पहला तो मैंने बता दिया ऑलरेडी बता दिया। दूसरा एक आता है बंदा खलीफा जी, हम उनको कहते हैं खलीफा जी, वो है शहजाद आलम। शहजाद आलम सर, ही इज माय फेवरेट पर्सन इन यूके ऑनेस्टली, वो दिल से वेरी नाइस सर। एक तो पेचा पतंगबाजी में भी आते हैं, इन नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ना ही इज वेरी क्लीन हार्टेड, वेरी हम्बल पर्सन, वेरी जेंटलमैन। और उसकी एक और भी वजह है भट्ट साहब की, मैंने मेरे इकबाल टाउन में बाग ब्लॉक में मेरे वालिद के साथ, वालिद साहब के साथ वो मेरी छत के ऊपर उन्होंने पेच पतंगबाजी की हुई है। क्या बात है, शैबी ब्रो तो जब पेच काटता है तो मुंह से वैसे निकलती है, सो देयर इज नो डाउट द वन एंड ओनली, इट्स नॉट अ नेम, इट्स शैबी ब्रो इज अ ब्रांड, ये एवरीबॉडी नोस। बिल्कुल 100-110% एग्री करता हूं कि शैबी ब्रो जब पिच मारता है, लोग मैंने देखे हैं कि उसके ऊपर पतंग नहीं लाते, दूसरे लोग थक करना जब शैबी ब्रो को देखते हैं कि इसका पेच आया उड़ाने वाले हैं तो बात गवर्नमेंट की है, लेकिन बात हुई है कि यार वो आपको ना इजीली पहचान नहीं देंगे, जगह नहीं देते आपको, जगह तो आपको लेनी पड़ती है ऑब्वियसली, आपने अपना घर बनाना पड़ता है, लेकिन वो आपको आराम से भेजा नहीं देंगे, यू हैव टू स्ट्रगल विद इट, फिर देन जाके भेजा लेता है मैं इसलिए, लेकिन वो ही इज रिस्पेक्टेड पर्सन, वेरी आई लव हिम। देन उसके बाद आते हैं, सॉरी आपके बात काट रहा हूँ, मैनचेस्टर में अदनान भाई, वेरी नाइस, उनकी आपने खींचे कभी देखी हो, वैसी मशहूर है,
आउट क्लास, ये बात कर मैं मुत्तफिक, उनके मैंने पेचे देखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, एंड मैं ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि बंदा गेम पे सिर्फ उनको देखने जाता है। सर कई साम टाइम इस तरह होता है कि तुसी समझ नहीं होते, वो अगला उते रोड रहे होता है तो वो जो निकल जाते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि दोस्त आज इस वन ऑफ द माफिया बेटा नहीं, और मेरे उस्ताद जी के बारे में क्या कहेंगे उनके पीछे, आप यार करीना तारिक साहब, उस्ताद तारिक जिन्हें पाकिस्तान में उस्ताद तारिक डंडा कहते हैं हम सब, बट उनका एक है नाम, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा शानदार प्लेयर करते हैं, लंबा कहते नहीं आयो तो बस मैं तुम लेके चला नदिया पार, वही ना जब स्कोर किसी टीम ने बढ़ाना होता है तो वो कहते हैं कि ऐसे पे चलवा दे बस, बिल्कुल ऐसी है सर, आई मीन बच्चे पीछे भी अच्छी करते हैं वो, तो अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और दैट्स इट व्हाट्स अप। तो मतलब ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि आप इन जो आपने प्लेयर्स के नाम लिए हैं, नैनी भाई हो गए, फिर अदनान भाई हो गए, इमरान भाई हो गए, और साथ उस्ताद भाई हो गए, उस्ताद जी हो गए, मेरे आसिम भाई हो गए, तारिक भाई हो गए, हां जी सुहेल पाक साहब हो गए, मुदस्सिर भाई जो उनके असगर बॉस के शागिर्द हैं, असगर बॉस is the name, is the name, is a brand, is a brand, sorry sorry I apologize, Asghar Boss is a brand, बिल्कुल सही बात है, तो अब उनसे जो हैं वो काफी मुतासिर हैं, and you learn a lot from them, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, no doubt, ठीक है। उसके अलावा शाह जी आपके माशाल्लाह कई पार्टनर्स बने हैं पतंग, जब आप ग्राउंड में आते हैं बेस्ट आपका जो क्या कहते हैं पार्टनर वो कौन है? सर देयर इज ओनली वन पार्टनर व्हिच इज मती रहमान, ओह माय गॉड last it ever long partner, alhamdulillah allah pak use khush rakhe, mati rahman sun raha tu, he is my best partner, then uske baad ek aur partner bhi mera hai and that is kishan bhat, oh thank you so much, because ek dekhi ek aur na partner ko I wish ko mere saath ho, lekin wo obviously wo maine diya hua apne jis tarah kehte na ke meri team mein hai, so I know ke he is in the right place, wo kareeb bhai ke saath hai, wo hai teek bhai, hi 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 sir, main kehta hu jitna hausla us bande mein hai na, legend hai, he is legend, उसके बाद forgot to mention अदील भाई, अदील गुल जो हमारे पिंडी से वेरी नाइस बंदा, जेंटलमैन, और देन उसके बाद इफी हो गया, इफी तो अनबीटेबल प्लेयर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो जी इफी पांच पतंगे एक से काटना उसके लिए मामूली बात है, सर देखिए भाई साहब बात भी आई थी कि पतंगे काटना कटाना इट्स अ गेम, आपने कटानी है काटनी है, राइट, एक आपके अंदर हौसला होना चाहिए पेश करने का, आपके अंदर I don't want to say in a bad way, but obviously जिसके अंदर हौसला ही नहीं है कि मैं वाली नहीं करना, बट जी उसने फिर बराबर का भी घर चले जाना, घर जाके बंदा दसदा है किन्ने पेज बराबर आए, किन्ने पेज लाए ने जी, 19 पेज बराबर आए हैं और दो के खास लिए आए हैं, तो बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का, आपके प्यार का, आप इतनी देर इतनी दूर से आए हैं, देर इतना टाइम स्पेंड किया सर, अल्लाह पाक खुश रखे, ख्याल रखें, थैंक यू भाई साहब, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू भाई साहब आपके प्यार का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, वन एंड ओनली, ओके सर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।